An Academy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स टॉक के सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार आज आप लोगों के साथ हैं। बीपीएससी 63वीं बैच के सफल अभ्यर्थी रोशन कुमार, जो वर्तमान समय प्रोबेशनरी ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं और इससे पूर्व भी इन्होंने सफलता का अनेक परचम को लहराया है। बहुत सारे सफलता इनके साथ रहा है। इससे पूर्व ये एफसीआई के अधिकारी रह चुके हैं, यूपीएससी का भी इन्होंने मेंस इंटरव्यू दिया है। तो आइए मिलते हैं हम लोग रोशन कुमार से, जो कि वर्तमान समय बिहार लोक सेवा आयोग में प्रोबेशनरी ऑफिसर हैं। रोशन जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद रोशन जी। सबसे पहले हमारे स्टूडेंट को यह बताइए, आपने यह सफलता कहां से और कैसे प्रारंभ की थी? आपने अपनी तैयारी कहां से और किस स्थान से प्रारंभ की थी? सबसे पहले, जैसे कि 2012 में ग्रेजुएशन करने के पश्चात मैंने जो चाणक्य को ज्वाइन किया था, वहाँ पर सर आपका जो है सबसे महत्वपूर्ण था वहाँ पर आपका निजी मार्गदर्शन, जिसके माध्यम से मुझे हर एक पल पे आंसर राइटिंग हो या फिर उसके अलावा जो जनरल नॉलेज हो, इसके अलावा अलग 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 सभी विषयों पर किस प्रकार से अपना मंतव्य प्रस्तुत करना है, इस संबंध में पूरी विस्तृत जानकारी मिली। इसका प्रतिफल सर आज मैं बीपीएससी में चयनित होकर मुझे यह मिला है। धन्यवाद रोशन जी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सभी बच्चों के मन में हमेशा रहता है, और अब रेगुलर क्लास में भी, ऑफलाइन क्लास में भी, ऑनलाइन क्लास में भी हमेशा बच्चे यह पूछते हैं, जो सर मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं तैयारी कर रहा हूं लेकिन मैं डिमोटिवेटेड हो जाता हूं। तो इस तरह से आपने भी अपने तैयारी के दौरान कई प्रकार के चुनौतियों का सामना किया होगा, तो उन चुनौतियों को आप कैसे सॉल्व आउट किए, कैसे सॉर्ट आउट किए, इसके बारे में थोड़ा आप अपने जूनियर्स को, आप आने वाले सक्सेसर्स को थोड़ा मार्गदर्शन करें। सर, सभी व्यक्ति के जीवन में सर अपनी अपनी कठिनाइयां होती है। जैसे कि 2014 में जब मैं तैयारी कर रहा था, उस दौरान मेरे सामने जो सबसे प्रमुख चुनौती थी, एक तो सर वित्तीय जो हमारी वित्तीय स्थिति थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। इसी वजह से मुझे 2014 में मैंने भारतीय खाद्य निगम को ज्वाइन किया, और इस दौरान एक कठिन मतलब बहुत ही मुश्किल ड्यूटी आवर के साथ साथ अपने पढ़ाई के साथ सामंजस्य स्थापित करना मेरे जीवन का सबसे बड़ी चुनौती थी तत्क्षण। इस दौरान उसके लिए मैंने अपने से मतलब मैंने अपने खुद के शेड्यूल को प्लान किया कि कब मेरे पास फ्री टाइम है, कब मैं बिजी हो रहा हूँ, उस हिसाब से अकॉर्डिंगली प्लान करने के बाद मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की। 56-67 में पहले बार जब मैंने मेंस लिखा था तो मुझे असफलता प्राप्त हुई, तो एक तो वहां से मैंने अपनी कमियों को बाहर किया और मुझे यह समझ आया कि कहीं ना कहीं वो समय को परिपूर्ण समय नहीं दे पाना या फिर उसके लिए प्रैक्टिस ना कर पाना ही मेरे असफलता का कारण बना था। एग्जैक्टली, आप अपने कमियों को आइडेंटिफाई किए और देन फिर उसको रिमूव करते हुए आगे बढ़े। बिल्कुल सर, जैसे ये सीढ़ी की भांति है कि आप एक कदम चलते हैं तो पिछले कदम से आप कुछ सीखते हैं और अगला कदम अपना आगे बढ़ाते हैं। एग्जैक्टली, हाँ, गुड। थोड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रीलिम्स एग्जाम के ट्रेंड में जो चेंजेस हो रहे हैं और प्रीलिम्स एग्जाम में जो अनसर्टेनिटी हो रही है, आगे आने वाले बच्चे उसको किस तरह से हैंडल करें ताकि उसका प्रीलिम्स रिजल्ट 100% सिक्योर हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मैं जान रहा हूँ, जो लास्ट टाइम इंटरव्यू दिए थे लेकिन इस बार उनका प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हुआ है। 65th मतलब आमतौर पर यह देखा जाता है कि सर प्रीलिम्स में जितने विद्यार्थी बैठते हैं वो मतलब सामान्यतः मैंने भी खुद विद्यार्थियों से मिला हूँ, मैंने भी देखा है, वो एक इसे गैम्बल की तरह देखते हैं। आपने कुछ पढ़ाई कर ली, उसके बाद आप एग्जाम में बैठते हो और ये उम्मीद करते हो कि आपका रिजल्ट हो जाए। जबकि सर हमारा ये स्कोप होना चाहिए बैठने से पहले कि हमारा एग्जाम में प्रीलिम्स 100% सर्टेन होना चाहिए, तभी हम एग्जाम में बैठे। असफलता क्यों हो जा रही है, क्योंकि सबसे पहला है कि सर जैसे सवाल है, अगर बीपीएससी के पैटर्न में देखें तो पहले 4 ऑप्शन के जगह 5 ऑप्शन आने लगे हैं, जिससे कि होता क्या है कि जब भी अगर आप किसी चीज पर श्योर शॉट ना हो तो वो 5वां ऑप्शन आपको और भी ज्यादा दिग्भ्रमित कर देता है, जिसे आप एक जो हिट एंड ट्रायल मेथड है आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसी वजह से तैयारी को पूरी की पूरी सारगर्भित होनी चाहिए। आप वहाँ पे अगर आप हिट एंड ट्रायल के लिए भी जाते हो तो आपके पास किसी उसकी पूरी कॉन्सेप्ट अगर आपके पास क्लियर हो, उसी में सर आप अपना कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं तथा वहाँ पे एलिमिनेशन का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, यह नहीं हो सकता। तो उसके लिए जरूरी है कि सर पढ़ाई पूरी सतही ना हो बल्कि सारगर्भित, यानी कहने के तौर पर अगर आप पहले मेंस की तैयारी करते हैं जिस प्रकार, तो हम हर एक बिंदु को ध्यान से पढ़ते हैं,
उसी प्रकार प्रीलिम्स का होना चाहिए, ना कि से उस फैक्ट्स की जानकारी रख लेने भर से प्रीलिम्स तैयार हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको हमें उसके लिए पूरी कंसेप्ट के साथ तैयारी करनी होगी। गुड, मींस आपका कहने का तात्पर्य है जो सबसे पहले डिटेल्ड एनालिसिस, पहले हम लोग मेंस को पढ़ें कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ें, देन फिर प्रीलिम्स, प्रीलिम्स ओरिएंटेड हमारी प्रिपरेशन नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ बिल्कुल सर, ये इसको सिंपल से एक उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं, एक पेड़ की भांति है, जब तक जड़ मजबूत नहीं हो सकता आपके फल मजबूत कभी नहीं होंगे। एग्जैक्टली, प्रीलिम्स एक फल की भांति है जिसे बस अगर जड़ मजबूत हुआ, सिंचाई आपने ठीक से की है, तो वो फल आएंगे ही आएंगे। गुड, ये और एलिमिनेशन मेथड मींस अधिक से अधिक प्रैक्टिस की बात आप कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए। सर प्रैक्टिस, आपके पास कंसेप्ट होंगे तब आप ये जान सकोगे कि यह ऑप्शन सही नहीं हो सकता। एग्जैक्टली, हाँ। तो रोशन जी, हमें ज्यादा ज्यादा हाँ, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न था जो अभी मुख्य परीक्षा चालू होने वाला है, मुख्य मेंस एग्जाम को लेकर के बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, सर राइटिंग स्किल कैसा होना चाहिए, हाउ कैन आई राइट ए गुड आंसर और क्वालिटेटिव आंसर, इसको लेकर के आप बच्चे को क्या दिशा निर्देशन करेंगे? एक छोटी सी मैं बस उदाहरण के तौर पर समझाना चाहता हूँ कि हम में से कोई भी चीज हम कभी सीख कर कभी नहीं आते। एक सिंपल सी बात है, क्रिकेट खेलने की जैसे हम बात ले लेते हैं, उसे खेलने के लिए हमें हम कई दिनों तक लगातार अभ्यास करते हैं। हम जब वो करते हैं तब हमें वह चीज आता है। उसी प्रकार से मेंस के आंसर राइटिंग का भी है। अगर हम चाहते हैं कि ओवरनाइट मैंने पढ़ाई कर ली, अब मैं लिखने बैठूंगा और मैं एक अच्छा उत्तर लिख दूंगा, यह संभव नहीं है। उसी प्रकार से हमें लिखना शुरू करना होता है, बार बार लिखने के बाद ही तब जाकर हमें वो लेखन शैली का विकास हो पाता है। जहां तक प्रश्नों को देखा जाए तो प्रश्नों के मांग के हिसाब से उत्तर लिखना यह सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। मींस प्रीलिम्स के लिए भी अधिक से अधिक प्रैक्टिस और मेंस के आंसर राइटिंग के लिए भी अधिक से अधिक प्रैक्टिस, यह दो फंडामेंटल तत्व जो बच्चे को अप्लाई करना चाहिए, ये आप कहना चाह रहे हैं जी सर। इसको इस तरह से देख सकते हैं कि सर जैसे जैसे चरणबद्ध बढ़ता जाएगा परीक्षा का, चाहे वो पीटी से आपका मेंस, मेंस से इंटरव्यू, उसी प्रकार से आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, बच्चे कभी कभी डिमोटिवेट होते हैं, मान लीजिए इंटरव्यू दिए रिजल्ट नहीं आया उनका, मेंस दिए रिजल्ट नहीं आया, तो थोड़ा सा डिप्रेशन होता है, नेचुरल है वो, कोई ये नहीं है। जी सर, वो तो होना है, वो नेचुरल है। तो उस कंडीशन में बच्चे अपने आप को किस तरह से मोटिवेट करें, इसके लिए बच्चे को आप किस तरह से मार्गदर्शन करेंगे? असफलता सर सबसे पहले जब तक आप गिरोगे नहीं, एक मतलब हमारे लाइफ में हर चीज के उदाहरण मौजूद है सर। कहते हैं कि एक साइकिल चलाने वाला जब तक गिरता नहीं है तब तक वो एक अच्छा साइकिलिस्ट नहीं बन सकता। असफल होने के बाद ही जब आप सफल पाएंगे तब तो सबसे प्रथम है कि यह प्रकृति के नियम के हिसाब से आपको सफलता का आनंद अनुभूति होगी कि हाँ यह सफलता है क्या। हाँ, एकदम सही बात। दूसरी बात है कि दूसरी बात है इसके बाद कि जब तक आप गिरेंगे नहीं आपको यह पता कैसे चलेगा कि गलती मैंने यहाँ की है, नहीं तो आपको जीवन में आप उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हर कदम पे जब आपको ठोकर लगती है तब हम आगे सीखते हैं कि हाँ मुझे यहाँ गलती की मैंने, अब मुझे इससे आगे निकलना है और आगे की ओर बढ़ना है। वही बात हमारे सफलता के साथ है। डिमोटिवेशन की बात नहीं है, इसे सर सिर्फ लेने की बात है कि एक कोई व्यक्ति इसे नकारात्मक भाव में लेता है या फिर इसे एक सबक के रूप में सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़ जाता है। एग्जैक्टली, अगर हम असफल होंगे तो ही सफलता का को एंजॉय कर पाएंगे, और हर एक असफलता सफलता की एक सीढ़ी होती है, आप यही कहना होती है, तभी आप आगे बढ़ेंगे उससे। एग्जैक्टली, और थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में भी बताएं, इंटरव्यू के लेकर को लेकर के बच्चे कंफ्यूज रहते हैं जो सर कैसे करें, कहां से करें। तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए सबसे प्रथम बात है कि जैसे मेंस रिजल्ट के बाद विद्यार्थी अमूमन क्या करते हैं कि अनेक सारे कोचिंग सेंटर्स में जाना प्रारंभ कर देते हैं, जबकि मेरा मानना है कि जैसे ही जब आपने मेंस लिखा उस दौरान आपको अपना ज्ञात हो जाना चाहिए कि मैंने कैसा उत्तर लिखा है। और जहां तक इंटरव्यू है वह आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है, वो बहुत डीप नॉलेज की ओर नहीं जाता। Exactly. इसीलिए हमारा जरूरी है कि जो आसपास की घटनाएं घट रही हैं वर्तमान समय में उस पर हमारा नजर बना रहे। दूसरा, हमारी वाक अभिव्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण होती है कि हम आई कांटेक्ट कितना कर रहे हैं। सबसे मतलब इसमें एक सिंपल आपका कॉन्फिडेंस जांच है कि आप कितने कॉन्फिडेंट है किसी से बात करने। एक प्रशासक के तौर पे आप कल को जाएंगे अधिकारी के समक्ष, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं बात करने में। तो वाक अभिव्यक्ति होनी चाहिए, आपका ज्ञान होना चाहिए, और सबसे इसमें महत्वपूर्ण होता है सर कि विनम्रता आपकी वहां पे पुष्ट होनी चाहिए। कभी भी अपने ज्ञान अपने नॉलेज को लेकर कभी भी रिजिड नहीं हो सकते आप। और कॉन्फिडेंट हो।
एक अंतिम क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्तमान समय में बहुत गंभीर संकट से पूरा विश्व गुजर रहा है, तो हम स्टूडेंट्स भी गुजर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी इसको लेकर के कभी डिमोटिवेटेड होते हैं, मैसेज आते रहता है मेरे पास। इस लॉकडाउन की स्थिति में छात्र किस तरह से अपनी तैयारी करें और किस तरह से अपने मानसिक स्थिति को मजबूत बनाए रखें और आशावादी सोच के साथ वो अपने प्रिपरेशन को प्रोसीड करते रहें, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हम निरंतर अपने प्रधानमंत्री महोदय का सर भाषण सुनते रहते हैं, जहाँ पे उन्होंने निरंतर कहा है कि हम कोरोना वॉरियर्स के बारे में सुन रहे हैं, डॉक्टर्स हैं हमारे, पुलिस हैं हमारे, हेल्थ वर्कर्स हैं, क्योंकि फ्रंट लाइन पे ड्यूटी कर रहे हैं। बट बीइंग इन द हाउस वी आर ऑल्सो फाइटिंग कोविड-19, हम घर में रहकर भी लड़ रहे हैं। तो घर में रहते से सबसे पहली सकारात्मक भाव यही होनी चाहिए कि वी आर फाइटिंग, हम भी लड़ रहे हैं। उसके बाद है सर अपने इस समय का सकारात्मक सदुपयोग करना, हम अपने नॉर्मल जीवन शैली को भी जी सकते हैं एक खास दायरे में सीमित रहकर, उसमें अपने पढ़ाई का शेड्यूलिंग कर सकते हैं सबसे, क्योंकि इस माहौल में हम बाहर नहीं निकल सकते, हम निरंतर कई दिनों तक एक ही जगह बंद रह रहे हैं, तो जरूरी है कि हम अपनी छोटी छोटी चीजों को बाहर निकालें। अपनी अभी समय है हमें अपने हॉबी का विकास कर लेने का, जो कि इंटरव्यू में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जो हमारे छिपे हुए गुण है या फिर हॉबीज है उनको बाहर कर लेने से हमारा समय व्यतीत हो जाएगा, दूसरा सर इससे एक हॉबी डेवलप होता है, और तीसरा जो डिप्रेशन की भाव है अभी वो इससे दूरी मिल जाती है। और जहाँ तक स्टडी मटेरियल्स है तो वर्तमान में ऑनलाइन के माध्यम से सर काफी स्टडी मटेरियल्स उपलब्ध हो जाते हैं, तो जिस वजह से हमें, मुझे नहीं लगता कि स्टडी मटेरियल्स की कोई कमी ऐसी उत्पन्न होती है। ओके, तो ऐसे कंडीशन में अनअकैडमी जैसे इंस्टीट्यूशन बहुत ही बड़ा काम कर रहा है, और अनअकैडमी जैसे इंस्टीट्यूशन बिल्कुल सर बहुत ही इफेक्टिव है, और इसको आप देना चाह रहे हैं अनअकैडमी जैसे इंस्टीट्यूशन में, आप इसको ये कर सकते हैं। बिल्कुल सर, अभी जैसे देखा जाए तो सर सैटेलाइट क्लासेस का जो कंसेप्ट चल रहा था अनअकैडमी, उसमें सर पहला कदम की तौर पे है, और मैं इसे आज से नहीं, मैं तैयारी के प्रारंभ से जब से शुरू हुआ मैं तब से इसे फॉलो करता हूं, और कंटिन्यूस मैंने इस पर पढ़ाई भी की है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर इस पर आप खुद भी सर इसमें सम्मिलित हैं, जिससे कि मुझे निरंतर आपसे संपर्क, हम आपसे ज्ञान हासिल करते ही रहेंगे। नहीं 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 रोशन जी, आप तो हम लोग तो मिले ही थे 2014 में, लगता है हम लोग मिले थे ना चाणक्य में। जी सर, और जिस समय रोशन जी हमारे हमसे मिले थे, रोशन जी उस समय आए थे और इंटरव्यू में यूपीएससी का मेंस दे के आए थे, और सबसे बड़ी बात है उस इंस्टीट्यूशन में जहाँ हैवी अमाउंट होता है फी, और वहाँ ये 100% स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन लिए थे, है ना, यही है ना आपका? जी हाँ, थैंक यू सर। तो रोशन जी शुरू से ही टैलेंटेड स्टूडेंट रहे हैं, और इन्होंने अपने टैलेंट को प्रूफ किया है, और टैलेंट को प्रूफ का ही नतीजा है आज ये एक सफल अधिकारी हैं और बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग में प्रोबेशनरी ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। तो धन्यवाद रोशन जी हमसे जुड़ने के लिए, और आप अपने जूनियर छात्रों को मार्गदर्शन करने के लिए, थैंक यू, थैंक्स।